हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रेशर सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व में क्या क्या डिफरेंस हैं ये बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कभी पीएसबी और पीआरबी में कंफ्यूज नहीं होंगे तो सबसे पहले हम पीएसबी और पीआरबी के डेफिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं तो पीएसवी का जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है द वाल्व जनरली यूज फॉर गैस और वेपर सर्विसेज एंड हैविंग फुल ओपनिंग पॉप एक्शन प्रेशर और अपस्ट्रीम ऑफ वाल्व एक्सीड द सेट वैल्यू आर कॉल्ड सेफ्टी वाल्व यानी कि ऐसा सेफ्टी वाल्व जो जनरली गैस या वेपर सर्विस के लिए उपयोग किए जाते हैं और जब भी वाल्व के अपस्ट्रीम पर प्रेशर सेट प्रेशर से अधिक होता है तो पूरी तरह से खुलने वाले या पॉप एक्शन करने वाले वाल्व प्रेशर सेफ्टी वाल्व कहलाते हैं वहीं अगर पी का डेफिनेशन देखें तो द वाल्व्स जनरली यूज्ड फॉर लिक्विड सर्विसेज एंड विच ओपन्स टू अपस्ट्रीम प्रेशर एग्जीडिंग द सेट प्रेशर एंड विच ओपेंस फर्दर विथ इंक्रीज इन प्रेशर आर कॉल्ड रिलीफ वाल्व यानी कि ऐसे वाल्व जिनका जनरली उपयोग लिक्विड सर्विस में किया जाता है और जो सेट प्रेशर से ज़्यादा अपस्ट्रीम प्रेशर पर खुलते हैं और जो प्रेशर बढ़ने के साथ ओपन होते हैं ऐसे वाल्व को पी यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं नेक्स्ट डिफरेंस डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बेस्ड पर है तो पीएसवी के डिज़ाइन में एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है लेकिन इसका रिएक्शन टाइम बहुत ही फास्ट होता है यानी कि अपने सेट प्रेशर से ऊपर तुरंत ही वॉल्व पॉपअप हो जाता है और प्रेशर रिलीज कर देता है इसको विशेष रूप से इमरजेंसी स्टेट में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया जाता है और इसे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के लिए डिज़ाइन किया जाता है वहीं अगर हम पी के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसके डिजाइन में भी एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म शामिल है लेकिन ये सेफ्टी वाल्व की तरह पॉप अप होकर प्रेशर रिलीज़ नहीं करता बल्कि सिस्टम में प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहने पर उससे थोड़ा थोड़ा रिलीज भी करता रहता है इसी कारण इसके नाम में रिलीफ है यानी कि ओवर प्रेशर से सिर्फ रिलीफ दिलाता है पी की तरह एक ही बार उठ पूरा प्रेशर डाउन नहीं करता नेक्स्ट डिफरेंस है ओपनिंग स्पीड के बेस्ट पर अगर हम पी के ओपनिंग स्पीड की बात करें तो इस वाल्व में जब प्रेशर सेट प्रेशर को क्रॉस कर जाता है तो ये पी तेजी से और कम्प्लीटली ओपन होता है क्योंकि सेफ्टी वाल्व का फेल होना बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन जाता है वहीं अगर पी के ओपनिंग की स्पीड की बात करें तो पी प्रेशर कंट्रोल के लिए बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में ओपन होते हैं जिससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहे और प्रेशर भी धीरे धीरे कंट्रोल हो अगला डिफरेंस एप्लीकेशन के आधार पर है तो पी को ऐसे जगह लगाया जाता है जहां हेजार्ड सिचुएशन को रोकने के लिए इमीडिएटली प्रेशर रिलीज करने की आवश्यकता है जैसे स्टीम बॉयलर प्रेशर वेसल एंड गैस स्टोरेज टैंक आदि में जबकि पी को जनरली वहां लगाते हैं जहां पर कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखना इंपॉर्टेंट होता है जैसे एच सिस्टम केमिकल प्रोसेस एंड ऑयल एंड वाटर पाइपलाइन में नेक्स्ट डिफरेंट है कॉस्ट एंड मेंटेनेंस के बेस्ड पर पी का कॉस्ट एंड मेंटेनेंस हाई होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया रहता है तो इसके मेंटेनेंस का प्रोसेस भी थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है जैसे ओवरहॉलिंग लैपिंग ये सभी दूसरी ओर पी का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस पी की तुलना में कुछ कम होता है क्योंकि इसे लिक्विड सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया जाता है और ये लो टेम्परेचर और प्रेशर पर वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है नेक्स्ट डिफरेंट है सर्टिफिकेशन एंड कोर्ड्स के बेस पे तो पी सर्टिफिकेशन और कोर्ड्स रिक्वायरमेंट के अधीन है प्रिसाइज स्टैंडर्ड के साथ क्रिटिकल सेफ्टी एप्लीकेशन में उनकी रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए इन सभी मानकों को पूरा किया जाता है जबकि पी अक्सर सामान्य इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड और रेगुलेशन का पालन करते हैं निष्कर्ष ये है कि दोनों ही वाल्व सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट हैं जो सिस्टम में एक्सेसिव प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है इसके बीच के मेन डिफरेंस इनके उपयोग रिएक्शन टाइम डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी लेवल सेट पॉइंट और मेंटेनेंस पर बेस्ट होते हैं दोनों ही वाल्व का पर्पज़ सिस्टम को सेफ रखना और दुर्घटनाओं से बचाना है लेकिन उनके काम करने के तरीके और उपयोग के माध्यम से जो डिफरेंस है उन डिफरेंस को समझ कर ही हम सही वाल्व का सिलेक्शन कर सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों पी और पी का ये डिफरेंस वीडियो आपको इन दोनों वाल्व के बीच के अंतर को समझने में हेल्पफुल रहा होगा ऐसे ही और वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू